इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर, श्री कृष्ण जन्म स्थान पर लाउडस्पीकर बंद कर दिए गए। लगातार लाउडस्पीकर का मुद्दा उठ रहा था और कल ही योगी सरकार के आदेश भी पारित हुए थे और मुख्यमंत्री की अपील पर इसे बंद करा दिया गया। जन्म स्थान संस्थान ने लाउडस्पीकर बंद का फैसला ले लिया। आपको बता दें, कल योगी सरकार ने आदेश पारित किए थे जिसमें कहा था कि किसी भी धार्मिक स्थल के परिसर से बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए। इसके बाद आपको ये मथुरा से बड़ी खबर बता रहे, जहां श्री कृष्ण जन्म स्थान सचिव कपिल शर्मा ने मामले की पुष्टि की है। करीब 1 से 1.5 घंटे तक वहां पर भगवान का भजन कीर्तन होता था और अब स्पीकर बंद होने की जानकारी होते ही स्थानीय लोग इससे आहत हो गए। मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर अब लाउड स्पीकर बंद होंगे। मुख्यमंत्री की अपील पर बंद करा दिया गया इसे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको मथुरा से बता रहे। आपको बता दें कि जन्म स्थान संस्थान ने लाउड स्पीकर बंद का फैसला ले लिया है। कल ही आदेश पारित हुए थे जिसके बाद अब यह बड़ा फैसला लिया गया है कि लाउड स्पीकर वहां पर बंद किए जाएंगे। श्री कृष्ण जन्म स्थान सचिव कपिल शर्मा ने इस मामले की पुष्टि की है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको मथुरा से बता रहे और आपको बता दें कि करीब 1 से 1.5 घंटे तक यहां पर भगवान का भजन कीर्तन होता था और स्पीकर बंद होने की जानकारी जैसे ही स्थानीय लोगों को मिली, वहां के लोग इससे आहत हो गए। और मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां लाउड स्पीकर बंद का फैसला ले लिया गया है। देश भर में लाउड स्पीकर बंद को लेकर मांग चल रही थी जिसके बाद अब यह बड़ा फैसला यूपी में कृष्ण जन्म स्थली में लिया गया है। मथुरा से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे, कल जैसे योगी सरकार का यह निर्देश आया था कि धार्मिक परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए आवाज स्पीकर की, उसके बाद यह पहला फैसला है जहां श्री कृष्ण की जन्मस्थली में लाउड स्पीकर को बंद कर दिया गया। और इस मामले की जो पुष्टि है वो कृष्ण जन्म के जो स्थान है उसके सचिव कपिल शर्मा ने पूरे मामले की पुष्टि की है। जो कृष्ण की जन्मस्थली है वहां पर 1 से 1.5 घंटे भजन कीर्तन होता था और स्पीकर बंद होने की जैसे ही वहां के लोगों को जानकारी मिली है, लोग इससे आहत हो गए। मथुरा से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे। लाउड स्पीकर पर फैसला ले लिया गया, यह पहला फैसला है और मुख्यमंत्री की अपील पर इसे बंद कराया गया है। अब कृष्ण के जन्म स्थान संस्थान ने यह बड़ा फैसला लिया है। और श्री कृष्ण जन्म स्थान सचिव कपिल शर्मा ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मथुरा से बता रहे, मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां स्पीकर बंद करने का ऐलान हो चुका है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अभिनव उपाध्याय जुड़ चुके हैं। अभिनव, लगातार लाउड स्पीकर को लेकर देश भर में बवाल चल रहा है और कल योगी सरकार ने आदेश भी पारित किए थे कि धार्मिक स्थल के परिसर से बाहर स्पीकर की आवाज नहीं जानी चाहिए और यह पहला आदेश के बाद यह पहला मामला हो गया है जहां पर अब श्रीकृष्ण की जन्मस्थली में स्पीकर बंद कर दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लाउड स्पीकर को लेकर पूरे देश भर में बवाल चल रहा था और जगह जगह धार्मिक जो स्थल है वो लाउड स्पीकर आवाज बंद करने की बात कही थी। और योगी सरकार लगातार जो धार्मिक स्थल है जो आवाज थी वो बिल्कुल मत के जो धार्मिक स्थल है उनके अंदर ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं। इस पर आज एक बड़ा फैसला आया, श्री कृष्ण जन्मभूमि में जो लाउड स्पीकर जो सुबह जो भजन गायन चलते थे उसको बंद कर दिया गया है। इसके जो स्थानीय लोग हैं वहां की वजह नर्वस हुए हैं क्योंकि सुबह सुबह जो ठाकुर जी की जो भजन होगी जो ध्वनि थी वो उनके कानों तक पहुंचती
सभी लाउड स्पीकरों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि सरकार के जो तख्त आगे के जो धार्मिक जो स्थल है उन पर लाउड स्पीकर नहीं बनेंगे। करीब एक से डेढ़ घंटे तक होता था ये भगवान का जो भजन कीर्तन था वो चलता था, भगवान के मंगलाचरण की ध्वनि को लोग सुनते थे, डेली की उनकी दिनचर्या थी। स्पीकर बंद होने की जानकारी जैसे ही स्थानीय लोगों को हुई तो उनको बड़ा आहत हुआ इस चीज का। जी अभिनय, ये फैसला कैसे हुआ, क्योंकि कल जो आदेश आया उसमें तो ये कहा गया था ना कि धार्मिक परिसर के बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए, और उसके बाद स्पीकर जो है उसको बंद करने का ही फैसला ले लिया गया है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं क्योंकि जो ठीक सिग्नल मूल पर जो स्पीकर लगे हुए थे उनकी जो आवाज थी वो काफी एरिया में एरिया तक जाती थी, और लोग जो भगवान के जो भजन कीर्तन थे वो उनके कानों तक जाती थी, और जो तेज आवाज का जो फैसला था जो लाउड स्पीकर थे उनको बंद करने का लिया गया। जो भी अगर लाउड स्पीकर बजाएंगे भी तो वो केवल जो मंदिर परिसर है वहां तक उसकी आवाज रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। जी अभिनव, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव जी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां श्री कृष्ण जन्म स्थान पर लाउड स्पीकर अब बंद हो गया और मुख्यमंत्री की अपील पर इसे बंद कराया गया है। खबर मथुरा से, मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां के लोगों में थोड़ी सी आहत की भावना हो गई है क्योंकि स्पीकर बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि शाम के समय एक से डेढ़ घंटे यहां पर भजन कीर्तन होता था, और खबर